बच्चों दसवीं कक्षा का हिंदी पढ़ रहे हैं। हम आज हिंदी में कृति का भाग दो का आखिरी पाठ है, पांच पाठ, मैं क्यों लिखता हूँ। इसके कवि श्री अज्ञेय जी हैं। हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। अज्ञेय जी का कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है अज्ञेय जी का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर इलाके में हुआ था और शिक्षा की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी लाहौर से करी। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको जेल भी जाना पड़ा। साहित्य और पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञेय जी ने देश और विदेश की अनेक यात्राएं भी की और उन्होंने कई नौकरियों को किया भी और छोड़ा भी। आजादी के बाद की हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया। और आपकी प्रमुख रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, आरियो, अरियो करुणा, प्रभामय, इंद्रधनु, रोंगे, कुएँ, आंगन के पार द्वार, काव्य संग्रह शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, यह उपन्यास विपथगा शरणार्थी, जयदोल कहानी संग्रह है, कृष्णकु, आत्मनेपथ निबंध और यायावर रहेगा या यात्रा वृत्तांत। यज्ञ द्वारा संपादित ताल सप्तक सहित चार सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अज्ञेय को अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया। सन 1987 में उनका देहावसान हो गया। बौद्धिकता की छाप यज्ञ के संपूर्ण लेखन में मिलती है। उनके लेखन के मूल में वैयक्तिकता की पहचान की समस्या है। अब हम देखेंगे पाठ मैं क्यों लिखता हूँ का सारांश। अज्ञेय जी ने इस पाठ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है और उस पक्ष को अधिक स्पष्ट और ईमानदारी से कैसे लिख पाता, जिसे वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख सकता। लेखक विज्ञान के छात्र थे और लेखक ने जापान के शहर हिरोशिमा में हुए रेडियोधर्मी विस्फोट के प्रभाव के बारे में केवल सुने थे। जब वह जापान गए, वहां एक पत्थर पर आदमी की शक्ल में काली छाया को देखे, तो उस रेडियोधर्मी के विस्फोट की भयावह रूप उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत होने लगी और उस याद को लेखक ने भारत में आकर रेल में बैठे बैठे उसे कविता के रूप में उतारा। लेखक मैं क्यों लिखता हूँ का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। बिना लिखे मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकता और लेखक का मानना है लिखकर ही लेखक अपने अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान सकता है और लिखकर ही उससे मुक्त हो सकता है, इसलिए वह लिखता है। लिखने के पीछे सभी लेखकों के लिए कोई ना कोई कारण होता है। कुछ ख्याति मिल जाने के बाद और कुछ बाहर की व्यवस्था से लिखते हैं, जैसे संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, कुछ अभियंता प्रेरणा से लिखते हैं। हर रचनाकार या लेखक एक भेद बनाए रखता है।
लेखक एक भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी कृति बाहरी दबाव है। इनमें से कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं सकते। यह कुछ उसी प्रकार के हैं जैसे सुबह नींद खुल जाने पर भी बिस्तर तब तक पड़ा रहे जब तक कि घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार प्रतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित होते हुए बिना उसे सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ से संबंध जुड़ा। लेखक कहते हैं कि उसे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, वह अपने आप उठ जाता है, अलार्म भी बज जाए तो भी कोई हानि नहीं होती। भीतरी व्यवस्था क्या होती है इसका वर्णन करना कठिन है। इसे समझाने के लिए लेखक उदाहरण देते हैं कि मैं विज्ञान का छात्र हूँ इसलिए रेडियो दर्पिता के प्रभाव होते हैं। इन सब का मुझे पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान है। जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरा तो उन्होंने समाचार में पढ़ा, उसके प्रभावों का परिणाम सामने आ गया। विज्ञान के समुचित प्रयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह है और लेखक ने लिखा है लेख में अनुभूति के स्तर पर यथार्थता होती है और बौद्धिक पकड़ से आगे के बात है, इसलिए मैंने इस विषय पर कविता नहीं लिखी। लेखक बताते हैं कि युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक कर हजारों मछलियों को मार देते थे। जीव के इस उपव्यय में से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अनुभव द्वारा व्यर्थ कुछ कुछ अनुभव लेखक कर सकती थी। और लेखक कहते हैं कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति संवेदना कल्पनाओं के सहारे आपके साथ कर लेती है। जापान जाकर हिरोशिमा के अस्पतालों में रेडियो पदार्थ से आहत और कष्ट पा रहे लोगों को देखा और सब देखकर तत्काल सब कुछ नहीं लिख सकते। एक दिन लेखक सड़क पर घूम रहे थे तभी उन्होंने जले हुए पत्थर पर एक लंबी सी उजली छाया देखी। उस छाया को देखकर थप्पड़ सा लगा। उन्हें लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए सूर्य सा उग गया और डूब गया। लेखक बताते हैं कि उस समय जैसे अनुभव मेरे अनुभूति पक्ष में आ गया और एक अर्थ में वह दुख हिरोशिमा के विस्फोट का मुद्दा बन गया। इसी से यह सहज व्यवस्था जागी है। भीतर की अहंता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई और एक दिन अचानक उन्होंने हिरोशिमा पर क्या कर डाले, कलिकर लिख डाले। इस कलिकर को उन्होंने जापान में नहीं बल्कि भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठी बैठी लिखा। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे लेखक को कोई मतलब भी नहीं है। अब हम इसके सारांश के बाद अब हम प्रश्न उत्तर पर देखेंगे। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की उपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? का उत्तर है कि लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखक भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है और जो यह व्यवस्था है वह मन के अंदर से उत्पन्न हुई अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता और उसमें अभिव्यक्ति की पीड़ा नहीं अकुलाती तब तक वह कुछ नहीं लिख पाता। फिर प्रश्न दूसरा कि लेखक ने अपने हिरोशिमा के विस्फोट का भुक्तका बहुत किस तरह महसूस किया। तो लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में तो पढ़ ही चुके थे और जापान जाकर हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था। अणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा
अनुभव उनकी प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा और देखकर अनुभूति भी हुई, इसलिए वो भोक्ता नहीं बन सका। फिर एक दिन वह सड़क पर घूमते हुए जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियो नदी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होगी और जो आसपास से आगे बढ़ गई पत्थरों को झुलसा दिया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाग बना करा दिया। इस प्रकार समुचित ट्रेजेडी से जैसे पत्थर पर लिख गए, इस प्रकार लेखक के लिए सुना के विस्फोट का भोक्ता बन गया होगा। फिर ये प्रश्न कि क्यों मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। कि लेखक को यह जानने की प्रेरणा लिखने के लिए प्रेरित करती है कि वे अब आकर लिखता क्यों है, यह उसकी पहली प्रेरणा है। और स्पष्ट रूप से समझना हो तो लेखक दो कारणों से लिखता है, भीतरी विवशता से कभी 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 केवल ऐसी अनुभूति जागृति है कि वह उसे व्यक्त करने के लिए उठता है। और कभी कभी फिर है कि कभी कभी रचनाकार कि प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किसी तरह से उत्साहित कर सकते हैं, तो कभी कभी वह संपादकों के आग्रह से प्रकाशक के तकाजों से और आर्थिक लाभ के लिए कभी भी लिखता है, परंतु दूसरा कारण उसके लिए जरूरी नहीं है। पहला कारण अर्थात मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। फिर है प्रश्न कि कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण है, यह बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं के अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं, तो कुछ अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखा जा सकता है। इसके साथ ऐसे कारण बाह्य दबाव भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे लेखक प्रेरित होता है। और यह बाह्य दबाव कौन कौन से है, पहला है सामाजिक परिस्थितियां, दूसरा है आर्थिक लाभ की आकांक्षा, तीसरा प्रकाशकों और संपादकों का बार बार आग्रह, और चौथा विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव। अब है प्रश्न कि क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। इसका उत्तर है कि बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर अभिनेता गायक नट कलाकार अपने दर्शकों आयोजकों श्रोताओं की मांग पर कार्य प्रदर्शन करते हैं। अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक अभिनय करने का आग्रह ना करें तो शायद अब वे आराम करना चाहे। इसी प्रकार लता मंगेशकर भी 50 साल से गाते गाते थक चुकी होंगी। अब फिल्म निर्माता संगीतकार और प्रशंसक भी उन्हें गाने के लिए बात करते होंगे। फिर ये प्रश्न कि हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का कारण है, परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते। तो हिरोशिमा पर लिखी कविता हृदय की अनुभूति प्रस्फुटित कोसी हुई भावों और शब्दों में जीवन होती, और कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को भी देखा, आहत लोगों को देखा और उसे देखकर लेखक के मन में उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई होगी, किंतु उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं। जब तक पत्थर पर मनुष्य की काली छाल को देखा तो उन्होंने अपने हृदय से अनुभव के विस्तृत का प्रतिरूप त्रासदी बनकर मन के सामने लगा। वही त्रासदी जीवन को अगर कविता में परिवर्तित हो गई। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता अंततः दबाव का परिणाम। यह दबाव मात्र इतना हो सकता है कि जापान से लौटने पर
लेखक ने अभी तक कुछ जापान से लौटने पर लेखक ने अभी तक तो कुछ नहीं लिखा, वह इससे प्रभावित हुआ होगा और कविता लिख दिया होगा। अब प्रश्न की हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक तब दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां किस तरह से हो रहा है? इसका है उत्तर कि आजकल विज्ञान का दुरुपयोग जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है। आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं, कहीं अमरीकी टावरों को गिराया जा रहा है तो कहीं मुंबई विस्फोट किए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है तो कहीं शक्तिशाली दूसरे देशों को दबाने पर आक्रमण कर रहे हैं, जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया और वहीं से वहां के जनजीवन को तहस नहस कर डाला। विज्ञान के दुरुपयोग से चिकित्सक बच्चों का गर्भ में भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं, इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है और विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन कर अपनी फसलों को बढ़ा रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान के उपकरणों के कारण ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने को खतरा बढ़ रहा है तथा रोज रोज भयंकर दुर्घटनाएं भी हो रही है जो विज्ञान के दुरुपयोग का कारण है। अब ये प्रश्न की एक संवेदनशील युवा नागरिक विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? तो एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमको निम्नलिखित कार्य करने होंगे और निम्नलिखित कार्य करते हुए सक्रिय भूमिका भी निभाना पड़ेगी। पहले प्रदूषण फैलाने और बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारणों से प्लास्टिक कूड़ा कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग भी न करें और विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता की भलाई के लिए ही करें और मानव के अहित या विनाश के लिए। फिर विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसव पूर्ण संतान के लिंग की जानकारी कर लेते हैं और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता और लिंगानुपात में असमानता आती है। इस बारे में आम जनता का जागरूक करने का प्रयास करूंगा, टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाज सेवी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूंगी। विज्ञान अच्छा सेवा किंतु बुरा स्वामी है, यह बात लोगों तक फैलाकर इसके दुरुपयोग के परिणामों को बताने का प्रयास भी करूंगा।